दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बॉलीवुड की एक बेहद हसीन और पुरअसरार शख्सियत पर बात करेंगे। जी हाँ, आज हम रेखा पर बात करेंगे। रेखा एक ऐसा नाम है जिसे सुनते ही जहन में एक बेहद हसीन, दिलफरेब और बेहद पुरअसरार तस्वीर बनती है। रेखा को हम जानते हैं मगर हम समझते नहीं हैं। रेखा कि जिंदगी एक खुली किताब जरूर है मगर बेहद मुश्किल अल्फाज में लिखी हुई है। इन्हीं मुश्किल अल्फाज को समझने की कोशिश की है यासिर उस्मान ने अपनी किताब रेखा द अनटोल्ड स्टोरी में। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए उसी किताब का एक इक्तिबास लेकर आए हैं जो रेखा की जिंदगी के एक पहलू पर रोशनी डालता है। पेशे खिदमत है वो इक्तिबास। मुजफ्फर अली ने फिल्म उमराव जान के मरकजी किरदार के लिए रेखा को बकौल उनके इसलिए मुंतखब किया कि रेखा के पुरकशिश खदो खाल में उनके माजी का अक्स कहीं ना कहीं जरूर नजर आता है। उनकी आंखों में वो बयानिया है जिनमें वो कर्ब की झलक मौजूद है जो उन्होंने अपनी जिंदगी में बर्दाश्त किए, और मजीद ये कि उन हालात से उनकी शख्सियत में किस कदर निखार आया। लोग टूट जाते हैं, बिलखुसूस वो लोग जो अपने सीने में एक फनकार का दिल रखते हैं, लेकिन इस अमल में रेखा बनफ्से नफीस एक शख्सियत के तौर पर जलवा अफरोज हुई। उमराव जान के लिए एक ऐसी खातून की जरूरत थी जो शुस्ता उर्दू बोलती हो और शायरी की अदायगी भी फसी हो, क्योंकि उमराव शायरा भी थी। जबकि मुजफ्फर अली ने रेखा को महज उनके फोटोग्राफ देखकर ही मुंतखब कर लिया था। फिल्म की स्क्रिप्ट देखे सुने बगैर रेखा ने भी इस किरदार के लिए मंजूरी दे दी थी। जबकि इस किरदार के लिए कोई माविन किरदार भी फिल्म में नहीं था, रेखा को तन्हे तन्हा इस किरदार को जिंदा जावेद बनाना था। उमराव जान की शूटिंग के दौरान रेखा मुजफ्फर अली और फिल्म के दीगर आर्टिस्टों के दरमियान उमराव के किरदार को लेकर रोज ही बहस होती थी। मुजफ्फर अली का कहना था कि ये किरदार लखनऊ है, खालिस लखनऊ, लखनऊ की तहजीब और तमद्दुन है जो मुकद्दर का सिकंदर फिल्म की जोराबाई वाले किरदार से यकसर मुख्तलिफ है। मौसीकी, पोशाक, जबान, जायका वगैरह से वो सब आया होना जरूरी है जो लखनऊ का खासा है। खैर, शूटिंग शुरू होने के साथ ही सेट पर तख्लीकी और तनकीदी बहस व मबाहिसे होते रहते थे। इस वजह से फिल्म के किरदारों में इख्तलाफात कम होते गए, क्योंकि उमराव जान अदा का किरदार उन सब किरदारों से बिल्कुल अलग था जो अब तक रेखा कर चुकी थी। ये अमर रेखा पर अच्छी तरह से वाजे हो चुका था। उसी का नतीजा था कि रेखा ने अपने माजी से जुड़े वाकयात और हादसात को उमराव जान के किरदार में शदीद जज्बाती अंदाज में उतार कर उस किरदार को दिलसोज बना देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने अपने मखसूस अंदाज और अदाओं से भी उस किरदार को लाजवाल बना दिया। ये उन्हीं का कमाल था कि उन्होंने इस किरदार में एक खास किस्म की ऐसी कैफियत पैदा कर दी कि कहीं कहीं पर रिक्कत तारी हो जाती है, क्योंकि रेखा को एहसास हो गया था कि उनसे जिस मेयार का काम लिया जा रहा है उसमें अगर वो चूक गई तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। शूटिंग के बाद डबिंग का मरहला तय होना था। रेखा फिल्म इंडस्ट्री में डबिंग की मास्टर कही जाती हैं। अपनी सहर अंगेज आवाज के लिए मशहूर ये अदाकारा किसी भी फिल्म की डबिंग में 3 घंटे से ज्यादा नहीं लगाती थी, लेकिन उमराव जान के लिए उन्होंने बतौर खास 6 घंटे का वक्त मुकर्रर किया था, लेकिन पूरा एक हफ्ता लग गया था। इसमें क्योंकि मुजफ्फर अली उर्दू के एक एक लफ्ज के तलफ्फुज पर बड़ी बारीकी से निगाह रखे हुए थे, और बिलाखिर जुनूबी हिंदुस्तान की एक अदाकारा से कदीम लखनवी किरदार अदा करवाने में उन्होंने कामयाबी हासिल कर ही ली थी, और रेखा के लिए तो ये एक किस्म की काया पलट जैसी तब्दीली थी। तो दोस्तों, ये एक इक्तिबास था रेखा द अनटोल्ड स्टोरी का। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।